नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसेनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल पर आपको BMS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबके वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं BMS सेकंड ईयर के द्रवगुण विज्ञान, जो चार सब्जेक्ट हैं BMS सेकंड ईयर में, द्रवगुण विज्ञान उनमें से एक है। तो द्रवगुण विज्ञान के दो पेपर होते हैं, ठीक है। तो हम सेकंड पेपर, दो पेपरों के जो सेकंड पेपर है उसके पोर्शन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, प्लांटों के नाम, लेटिन नाम, फैमिली, द्रवगुण, वीर्य, विपाक, प्रयोजांग, ये सब आते हैं। तो जितने भी मेजर प्लांट्स हैं 70 नंबर में, मेजर प्लांट 108 हैं, कितने नंबर में टोटल 70 नंबर पे, और माइनर प्लांट प्लस अदर जो 10 जल वर्ग है, तेल वर्ग है, शहद वर्ग है, जितने भी ये वर्ग हैं वो इसमें 30 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो 70 नंबर का जो पोर्शन है उसके जो लेटिन नाम है 108, तो मेजर के हैं और जितने भी माइनर के हैं उनके सबके लेटिन नाम और फैमिली मैंने इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगुरु, एग्यूलेरिया अगलोचा, फैमिली है थाइमेलेसी। दूसरा है अग्निमंत। अब अग्निमंत दो है, प्रेमेना मर्क्यूनिटा और अग्निमंत लघु क्लोरोडेंड्रम प्लमंडिस, बारब्रेंची दोनों की फैमिली है। इस तरीके से मैंने ये PDF बना रखी है। वीडियो मैं समझाऊँ आपको, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक मिल जाएगा, आपको इसको डाउनलोड करनी है। अब सवाल आता है कि प्लांट्स के नेम कैसे याद करें। बहुत से स्टूडेंट इनकी ट्रिक्स से बनाते हैं, जैसे इसकी कोई ट्रिक्स बना ली, जैसे हमें बताता हूँ 8 नंबर अर्जुना, टर्मिनला अर्जुना, ठीक है, अर्जुन टर्मिनला अर्जुना। अब किसकी कोई हीरो से नाम से जोड़ता है कि अर्जुन कौन था, टर्मिनला था, इस तरीके से कोई अपने अपने तरीके से ट्रिक्स बनाता है। लेकिन मैं एक को आपको सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप लेटिन नाम मुँह जबानी याद करोगे ना रट के एकदम, जैसे बोला आरगवत केसिया फिस्टूला, तो एकदम करेक्ट रहेगा। ट्रिक्स हमेशा भूल जाओगे आप, है ना, क्योंकि कितने नाम है, 108 तो मेजर नाम है और प्लस माइनर है 108 के लगभग ही। तो आप जितने ट्रिक्स बनाओगे कन्फ्यूज ज़्यादा रहोगे। ट्रिक्स तब बनाई जाती है जब एक ट्रिक्स में कम से कम 15-20 नाम हो जाएं। जैसे रसगुण, वीर्य, विपाक अपन याद करेंगे ना तब ट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि सेम रसगुण, वीर्य, विपाक एक ट्रिक से कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रत्येक नाम की ट्रिक्स बनाओगे ना तो कन्फ्यूज होना निश्चित है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि सीक्वेंस वाइज, जैसे बोलते हैं ना कि कैसे और ज्ञान ज्ञान बाबा तक आपको सीक्वेंस तक कक्षा प्रथम में याद किया था, इस तरीके से लेटिन नाम मेजर के तो एक से लेके 108 नंबर तक के आपको याद होने ही चाहिए। इसलिए मैंने देख सीक्वेंस भाई एक नंबर से लेके, आप देखना 108 के सीक्वेंस भाई मैंने नाम, लेटिन नाम और फैमिली बड़े अच्छे और साफ शब्दों में लिखा हुआ है। फिर इसके आगे देखना आप माइनर प्लांट, लेटिन नेम विद फैमिली, जितने भी माइनर प्लांट है अपने सिलेबस में वो सारे मैंने कवर कर रखे हैं इसमें। 145, तो इनके आपको, अगर आपको माइनर प्लांटों के नाम याद नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये कम मैटर रखता है, क्योंकि 30 नंबर में है। लेकिन 70 नंबर की तो 108 प्लांट है। ये मेजर जो 108 प्लांट तक है उनके आपको नाम मुंह जबानी याद होने चाहिए। अगर आप हर लेटिन नाम की एक ट्रिक्स बनाओगे तो कंफ्यूज होना निश्चित है। तो इसको क्या कि रटना है, माइंड में सेट रखना है एकदम से। अग्रु, एगुलेरिया अगलोचा, अग्निमंत, परमिना मर्क्यूनिटा, अग्निमंत लघु, क्लोरोडेंड्रम प्लमंडिस, हाइपेन, पेपेवर सोमनिफेरम, आमलकी, एमलिका ऑफेंसिलिस, अपामार, एक्थायरस, एस्पेरा, आरगवत, केसिया फिस्टूला, आद्रक, जिंजीवर, ऑफिस सेनल। अब इसके जो उच्चारण में, मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ उच्चारण में, लेकिन आपको अपना उच्चारण सुधारना है। मैं भी कोशिश करता हूँ धीरे धीरे कि सुधरे। तो आप अपने दोस्तों को आसपास डेली के अगर 5-5 भी याद करोगे तो आपके ये हॉलीडे हैं, जितना भी कोरोना का छुट्टियाँ चल रही हैं उसमें आपको याद हो जाएगा। मैं आपको फिर बता दूँ, याद अगर आपको BG सेकेंड पेपर का क्लियर करना है और अच्छी स्कोरिंग करनी है तो आपको लेटिन नाम और फैमिली याद होना ही चाहिए।
कोई सा भी क्वेश्चन आता है DGPA के पेपर सेकंड में, सबसे पहले लेटिन और उसका लेटिन नाम और उसकी फैमिली लिखना जरूरी होता है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। क्योंकि जब तक आप लेटिन नाम और फैमिली नहीं लिखोगे किसी भी प्लांट की, तो टीचर आपको नहीं समझता। आप रसगुण वीर्य विपाक कितना ही अच्छा लिख लो, सारे अच्छे लिख दो, लेकिन फिर भी लेटिन नाम आपको लिखना जरूरी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से स्टार्ट होता है तो आपको लेटिन नाम पहले डालना है, चाहे कुछ आंसर क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, लेकिन आंसर में आपको लेटिन नाम और फैमिली लिखना ही है। अगर किसी प्लांट के बारे में बात करो, जैसे आरगवद आ गया, तो आरगवद का आपको लिखना ही है कि केसिया फिस्टुला इसका लेटिन नाम है और फावेसी इसकी फैमिली है, तो ये आपको लिखना ही है, चाहे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि इनको जैसे अपन बचपन में प्रथम क्लास में स्टडी करते थे, उसी तरीके से समझो। देखो आयुर्वेदा में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बेसिक क्लास है, मतलब आपको यहाँ पे आयुर्वेदा के बेसिक सिद्धांत समझाए जाते हैं, जैसे अपन को बेस बनाया जाता है। जैसे किताब पढ़ने के लिए ए अनार आ ई इमली स्टडी कराई जाती है, क्या कबूतर से लेके अज्ञानी बाबा तक पढ़ाई जाती है। इस तरीके से अपन को आयुर्वेदा में चिकित्सा करने के लिए, आयुर्वेदा को समझने के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है। तो आप, मैं यही बोलूँगा कि अगर DG सेकंड में नंबर अच्छे करने हैं तो आपको ये लेटिन नाम याद होने चाहिए विद फैमिली, एक जुबा पे कंटस्ट, कि अगर आप आंख बंद करके भी बोलो शुरू से लेके एंड तक तो आपको याद हो जाए। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ये आमल की है, ठीक है, जैसे ये बला है, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। मैं अगर एक एक चैप्टर जब अपन स्टडी करेंगे तो अगुरु का अलग से बताऊंगा, अग्निमंत आईफेन आमल की एक एक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये ओनली मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि आपको ये लिखने की प्रॉब्लम ना आए, और आप जो छुट्टियाँ चल रही हैं इस समय उसका सदुपयोग करो। इसलिए मैं ये नोट्स मेजर प्लांट्स और माइनर, अगर आपने छुट्टी छुट्टियों में ये दोनों काम कर लिए ना, मेजर प्लांट्स और माइनर प्लांट्स के, तो समझो आपकी DG सेकंड कंप्लीट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।